युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर 5वें दिन कथा व्यास अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज विद्याभास्कर ने व्यासपीठ से कहा कि हमारा जीवन तो अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग अवधि का होता है, लेकिन 4 दिन की जिंदगी ही क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि सबके जीवन में एक दिन सुख का, एक दिन दुख का, एक दिन थोड़ा सुख का, एक दिन थोड़ा दुख का होता है। इस प्रकार से कुल 4 दिन ही होते हैं। उन्होंने गर्भ में जीव के विकास व गर्भधान की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि गर्भधान के पूर्व पुत्र मन ने होम करने का विधान है। इसके द्वारा आप जैसी चाहें वैसी संतान पा सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में गर्भधान के समय ही गर्भधारण हुआ है या नहीं उसका लक्षण बताया गया है। यही नहीं, 10 दिवसों में गर्भ में पुत्र है या पुत्री इसका लक्षण भी हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है। नाथ परंपरा में योगियों का उल्लेख करते हुए यामुन मुनि की चर्चा की और बताया, दक्षिण भारत में एक योगी हुए थे जो अपने पौत्र यामुन मुनि को योग के रहस्य का वर्णन किया। उसी परंपरा को गोरक्षनाथ जी ने भी आगे बढ़ाया है। योग बल से सभी संकल्प सिद्ध होते हैं। योग पद्धतियों में गुरु कृपा से भी योग की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कथा व्यास ने पूतना की कथा सुनाई और पूतना का अर्थ बताया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का स्तनपान करके उसका वध किया, उसकी विस्तृत व्याख्या भी किया। कथा व्यास ने बाल स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा कि बच्चों की यदि उपेक्षा हुई तो वह बहुत जल्दी समझ जाते हैं और जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। यही क्रिया भगवान के प्रसंग में भी आती है। यशोदा जब अपनी गोद में भगवान को ली थी और उनको दूध पिलाना शुरू की थी, तभी चूल्हे पर रखा दूध उफान लिया। यशोदा माता उनको ज़मीन पर बिठाकर चूल्हे के पास जाती हैं तो भगवान को यह अच्छा नहीं लगा और वह पत्थर से दूध के मटके को फोड़ देते हैं। यह मटका यशोदा माता को उनकी सास के द्वारा मुँह दिखाई में मिला था, इसलिए माँ यशोदा बहुत क्रोधित होती हैं और छड़ी लेकर उनको दौड़ा लेती हैं, जिसको पकड़ने के लिए ऋषि मुनियों योगियों ने ध्यान व समाधि से पाना चाहा, उसको माया यशोदा छड़ी लेकर पकड़ना चाह रही हैं। भगवान तो केवल प्रेम से पकड़े जा सकते हैं, किसी अन्य साधन से नहीं। माया ने जब पानी फेंक कर प्रेम से बुलाया तो भगवान स्वयं पकड़ में आ गए, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। कथा का समापन आरती और महाप्रसाद के वितरण के साथ हुआ। इसके सामने का स्थान उनके सपरिक श्रद्धा सम्मान सद्वांत विध्वंसनोदय जनन मामी राम नारावन बिहारी लाल के श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तम भगवान के श्री भाष्यकार भगवान के श्रीमद् जगद्गुरु कांजी प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी महाराज के श्रीमद् जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज के श्री समलंकृत गोरक्षपीठ धिपति युग पुरुष श्री दिग्विजयनाथ स्वामी जी महाराज के अनंत श्री समलंकृत गोरक्ष पीठाधिपति पूज्य पाद श्री अवैद्यनाथ स्वामी जी महाराज के श्री योगिराज महाराज के संगीत शास्त्रमर्मज्ञम् 4 दिन के जिन गनिया भजिला हरि 4 दिन के जिन गनिया भजिला हरि 4 दिन के जिन गनिया भजिला हरि 4 दिन भजिया
के जिंदगनिया गजलिया भजलारी छोट जई है राजधनिया भजलिया। बहुत गंभीर ऋषि महर्षियों ने परम पवित्र भाव से इसको देखा है, इसीलिए शास्त्रों में सूत्र ग्रंथों में गर्भाधान करने के पहले पुत्र मंथ होम करने का विधान है। पुत्र मंथ होम करने के बाद ही गर्भाधान करने की प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णन की गई है। आप जैसी संतान चाहें वैसी संतान पा सकते हैं, वीर चाहें वीर पा सकते हैं, ज्ञानी चाहें ज्ञानी पा सकते हैं, लड़ाकू चाहें तो लड़ाकू पा सकते हैं। संस्कारों के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से हम जैसी संतान चाहें वैसी संतान पा सकते हैं। तो पांचवीं आहुति में वह जल ही पुरुष के रूप में बदल जाता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है, स्वयं कर्दम ऋषि ने अपनी मां देवहूति से कहा है कि चतुर्भिर धातव सप्त, चौथे महीने में शरीर में सातों धातुएं बनकर तैयार हो जाती हैं। वीर्य भी बन जाता है शरीर का पोषण करने के लिए सात चौथे महीने में। भारतीय आयुर्विज्ञान और भारतीय पौराणिक विज्ञान भागवत महापुराण के अनुसार देवहूति से श्री कर्दम ऋषि जी बोलते हैं इस बात को, कर्दम ऋषि जी के पुत्र बोलते हैं कपिल मुनि इस बात को। चार दिन का तो बता दिया मैंने, चार प्रकार के दिन। अभी भी नहीं आप ध्यान से सुने तो क्या करेंगे, आखिर ये सब लोग सुन लिए ध्यान से। हमारे श्रीनिवास कोट के महन जी महाराज कह रहे हैं को चार दिन वाला बता दीजिए, तो बता दिया। एक दिन ऐसा होता है जिसमें सुख ही सुख रहता है हर व्यक्ति की जिंदगी में, एक दिन ऐसा होता है जिसमें दुख ही दुख होता है, एक दिन ऐसा होता है जिसमें सुख अधिक और दुख कम रहता है, और एक दिन ऐसा होता है जिसमें दुख अधिक और सुख कम होता है। बता दिया ना, चार प्रकार का दिन है, चार दिन है। यही चार दिन की जिंदगनिया, चाहे जितने साल कोई जिंदा रहे लेकिन चार ही प्रकार के उसके दिन होंगे। बीत गए दिन चार, बार बार हमारे संत महात्मा लोग यही क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। ऐसा मेरे दिमाग में अभी आया, ये हो सकता है योगी लोग मरते नहीं है समाधि लेते, और फिर ऐसे ऐसे योगी हैं, चौदह चौदह योगी, ऐसे योगी जो अभी भी विचरण कर रहे हैं। दर्शन कर लीजिए, हमारे श्री संप्रदाय में नाथ मुनि जी ऐसे योगी थे। नाथ मुनि जी, नाथ संप्रदाय में योग की परंपरा अनुभव करिए, योग की परंपरा। आज से हमारे यहां जो अनुभव करते हैं नाथ मुनि, वो नाथ शब्द नाथि नाधि याचो पतापैश्वर्या शिशु धातु है ना, नाथते ही थी नाथा नाथत अनु, अगर उपसर्ग लग जाएंगे तो अनुनाथतिस वो परस्मै पद हो जाएगा, इसलिए देनम त्वाम अनुनाथते कुछ युगम पत्रावृतम मा कृथा, हमें दोष दिया है ना च्युत संस्कृत दोष कि अनुनाथते नहीं होगा, अनुपसर्ग लगाने के कारण अनुनाथति होगा, व्याकरण की बात बताया हुआ। नाथ गोरक्षनाथ जी ने योग को उस मार्ग को और आगे बढ़ाया,
और नाथ शब्द से ही योग का ऐसा संबंध जुड़ गया, नाथ मुनि स्वामी जी का योग। उन्होंने अपने पुत्र ईश्वर मुनि और ईश्वर मुनि के पुत्र यामुन मुनि को कहा था। नाथ मुनि ने यामुन मुनि के लिए कहा था, एक दक्षिण भारत में योगी हुए हैं नाथ मुनि स्वामी के शिष्य, जिनका नाम कुरु कैका वलप्पन था। कुरु कैका वलप्पन को योग मार्ग का उपदेश देते हुए नाथ मुनि ने कहा था कि तुम हमारे पौत्र यामुन मुनि को इसका रहस्य बतलाना। कुरु कैका वलप्पन ने यामुन मुनि से कहा था, उस समय उस दिन वह योग ऐसा आएगा जिस दिन मैं थोड़े ही देर में आपको योग का रहस्य बतला दूंगा। लिख करके दे दिया उन्होंने उसको, ताड़पत्र को उन्होंने अपने ग्रंथ में रख लिया यामुन मुनि ने, और रख करके फिर अपना अध्ययन अध्यापन आदि में सिद्धित्रयम जैसा ग्रंथ उनका ही निर्माण किया हुआ ग्रंथ है वो। और ये सब रंगनाथ भगवान की सेवा करने वाले, वहां नाथ रंगनाथ, रघुनाथ, मुक्तिनाथ, बदरीनाथ, जगन्नाथ, नाथ फर्क इतना, खाली यही नाथ लग रहा है ऐसी बात नहीं, क्या कनेक्टिविटी है, क्या जोड़ है हम लोगों का, क्या संयोग है हम लोगों का परस्पर, इस भाव को जानना जरूरी कि हम एक हैं। किस रूप में एक हैं ये ध्यान करने का विषय है, आत्मतत्व, और उस आत्मतत्व को योग के माध्यम से लोग अनुसंधान करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनः, योगी लोग ध्यान के बाद ही तो समाधि है, ध्यान के बाद समाधि। तो ये रख लिए, पढ़ाते पढ़ाते इनको भूल गया कि कब जाना था कब। अब अध्ययन करा रहे थे ब्रह्म सूत्रों का, उन्होंने ग्रंथ खोला तो वो पेपर मिला, ताड़पत्र जिसमें लिख लिया था वो निकला, तो बोले अरे इसमें तो आज ही की तिथि लिखी हुई है, आज ही हम कैसे पहुंच जाएं वहां पर, कुरु कैका वलप्पन योगी के पास हम कैसे पहुंच जाएं, नाथ मुनि के द्वारा जिनको ज्ञान मिला था। तो उसमें गाथा है, वार्तामाला में एक वार्ता है, अहो पुष्पकम अद्य मे दुर्लभम जातम, हमें पुष्पक विमान नहीं मिल रहा है, अगर पुष्पक विमान मिल जाए तो मैं अभी पहुंच जाऊं और अभी योग का उपदेश ले लूं जो आज की तिथि निश्चित किया था उन्होंने। यह रहस्य परंपरा से, योगियों से, योग के बल से। और गोरक्षनाथ महाराज जी की परंपरा में उस योग को और आगे बढ़ाते हुए बतलाया। भगवान कृष्ण ने सोचा यह मौका आ गया है, ये उखल मेरी कमर में बंधा है और मेरे दरवाजे पर वो दोनों पेड़ हैं, तो इन दोनों पेड़ों के बीच से मैं पार हो जाऊं, और मेरा उखल तो बड़ा है तो वो अटक जाएगा, और रस्सी पूरी की पूरी गांठ लगाते लगाते माने घर भर की रस्सी इसमें लगा डाली है, तो इस पर मजबूती, गांठें इतनी लंबी हो गई है, गांठ ही लगाते लगाते जोड़ते जोड़ते इतनी लंबी हो गई तो रस्सी मजबूत रहेगी, टोचन करके गाड़ी ले जाते हैं ना, टोचन कमजोर रहेगा तो टूट जाएगा। तो भगवान लेकर के चले, ढुलुक 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 ढुलुक, जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान को बाहर लाते हैं ना, ढुलुक ढुलुक जगन्नाथ भगवान आते हैं, ढुलुक ढुलुक आगे। दरवाजे से भगवान तो पार हो गए, लेकिन उखल बेड़ा हो गया, आड़ा हो गया, तिरछा हो गया, तिरछा हो गया तो बस, और जोर लगा आ, 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 और जहां जोर लगाया पूरा, तहां जड़ से गिरा, रा 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 रा, धम, हल्ला हो गया,
सुना यशोदा रानी ने, दौड़ी दौड़ी आई, अरे हल्ला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इतना हल्ला होगा तो किसी को नींद भी आती होगी तो दबाक से थाप से जो है नींद खुल जाएगी। यशोदा रानी काम कर रही थी, जोर का हल्ला हुआ तो दौड़ी दौड़ी आई, देखती है कि अरे ये क्या, ये मेरा लाला जिसको मैंने उखल में बांध रखा था, ये तो दोनों अर्जुन के वृक्षों के बीच से पार होकर के उस पार है, उखल इधर है और ये वृक्ष की जड़ से दो दिव्य पुरुष स्तुति कर रहे हैं मेरे लाला की और प्रणाम कर रहे हैं। उद्धार किया भगवान ने तो प्रणाम कर रहे थे, धनाध्यक्ष धनपति कुबेर के पुत्र थे। भगवान ने कहा अब जाओ जाओ, नहीं माँ देखेगी तो कहेगी क्या कर रहे हैं। अब माँ तो देख ही चुकी थी तब तक, अब क्या पूछना था। इधर नंद बाबा आए बाहर से घर, अब यशोदा रानी ने कहा कि कुछ सुना है आपने। बोले क्या। बोले पेड़ गिरा हुआ पड़ा है दरवाजे पर, आपने देखा नहीं। नंद बाबा ने कहा देखा तो है, कैसे टूट गया कैसे गिर गया। बोले तुम्हारे लाला की करामात है। बोले वो कैसे हो। बोले मैंने उखल में बांधा था इसको और मैंने सोचा था कि उखल में बांध दूंगी कुछ काम करूंगी और ये चलता चलता गया, क्या किया कैसे किया, ये उखड़ करके गिर गया, ये उस पार था उखल इस तरफ। नंद बाबा ने कहा इसने जोर लगाया होगा, तुमको तो मालूम ही है 6 दिन का था तो पूतना का वध कर दिया, इसके अंदर तो करामाते करामात है, ये करामाती। बोले आरामात करामात मुझको कुछ नहीं, ये क्या चीज है, ये अच्छा नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। बोले अब क्यों। बोले हम दूध पिला रही थी और मैंने गोद में बैठा दिया और तृणावर्त आ गया और तिनका का ऐसे गोल गोल करते हुए वो अलग ही हुआ, यहाँ तिनके में राक्षस पैदा हो जाए, पेड़ से कोई दूसरा देवता निकलने लग जाए कि कौन निकलने लग जाए कि क्या हो गया कुछ हो गया, यहाँ बैलगाड़ी में कोई लफड़ा हो जाए, बैलगाड़ी में से कोई असुर आ जाए, ये जगह रहने लायक नहीं है, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, चलो यहाँ से बाहर। नंद बाबा कहे भाई ऐसे इतनी जल्दी हम कहाँ बाहर चले जाएंगे, अरे कहीं कुछ जगह होगा तो देखें, कहाँ हम बाहर चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं हमको नहीं रहना। बोले देख करके आने तो दो, कोई जगह अच्छी है वहां मैं चलता हूँ। फिर आए यहाँ, देखते साखते यहाँ इनको वृंदावन बहुत अच्छा लगा। बोले वृंदावन में ही चले, वहां से गोकुल से वृंदावन आ गए। वृंदावन आए उस रात्रि में तो सभी बैलगाड़ियों पर सामान लोड करके आए थे, अर्धचंद्राकार बैलगाड़ियों को खड़ा करके बीच में अपना रहे। धीरे धीरे कार सेवा के बल पर पूरा इनका महल बनकर के दिव्य तैयार हो गया नंद बाबा का। सब लोग आखिर नंदराज, नंद बाबा जी थे नंदराय कहते थे, यहां उनका सुंदर भवन वृंदावन में बनके तैयार हो गया। यहाँ आए तो बोले अब घर भर हो गया, अपना पुश्तैनी काम चालू करना चाहिए। बोले क्या काम। बोले चरवाहा विश्वविद्यालय में इसका एडमिशन कराना चाहिए। हाँ बोले हाँ। बोले बछड़े चरावे, पहले पहले बछड़ों के चराने की जिम्मेदारी सौंपी जाए इनको। बोले हाँ, क्योंकि गाय चराने की जिम्मेदारी सौंपेंगे तो बच्चे छोटे हैं और गाय उनको ही खींचती चली जाएगी, इसलिए अभी बछड़ा चराओ। गोवत्स द्वादशी आप लोग जानते हैं, उत्सव करते हैं, बछड़ों को थाप लगाते हैं, वत्स बछड़ों के लिए, गोपाष्टमी जैसे होती है ना, अलग अलग भिन्न भिन्न भगवान की लीलाओं का सब क्रियाकलाप जब होता है तो वो सब उत्सव के रूप में होता है, बछड़ा चराना। अभी बछड़ा चराने के लिए जब जा ही रहे थे अपने यार दोस्तों के साथ, सब बछड़े इकट्ठे थे और सब ग्वाल बाल इकट्ठे थे, तन सुखा मन सुखा श्री दामा बिल्लु मंगल मधुर मंगल श्रुत कीर्ति धर्म कीर्ति, सब एक एक से इनके मित्र, सब मंडली लंबी चौड़ी, सब अपने अपने साथ, अब सब अपने साथ लेकर के अब बछड़ा चराते ले गए तो ग्रुप हो गया, यूनियन बन गई इन बच्चों की आपस में। बोले हाँ, इन बच्चों को भी मक्खन खिलाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। देखो भाई होगा 6:06 हो गया, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। अब इसके आगे की कथा कल सुनना, आज तो बस केवल इतना ही सुनो, समझे।
हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय नंदन ब्रजचंद कृष्ण किशोर की श्रीभाष्यकार भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय गोरक्षनाथ जी महाराज की जय जय श्री राधे करे हे प्रिया पति मैं करूं आरती ते तो कान्हा ते